नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो सबसे पहले बात यूपी की कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी अब आगामी चुनावों में और सक्रिय होना चाहती है। ऐसे में महाराष्ट्र और हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। महाराष्ट्र की 12 और हरियाणा की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने दावा कर दिया है। इंडिया गठबंधन के तहत की सीटों की मांग यहां पर समाजवादी पार्टी कर रही है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को इस दौरान 2 सीटें देने पर सहमति बन सकती है। 2 सीटों की एवज में समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी सीटें मांगी है। दोनों राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में मिर्जापुर और गाजियाबाद सीट कांग्रेस के खेमे में जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के तहत महाराष्ट्र और हरियाणा में भी सीटों का दावा कर रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी थी 37 सीटों के साथ, ऐसे में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में भी सीटों पर दावा कर सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस को 2 सीटें देने के बदले समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटों पर दावा कर रही है। इंडिया गठबंधन के तहत सीटों की मांग यहां पर समाजवादी पार्टी कर रही है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। इसमें मिर्जापुर और गाजियाबाद, ये 2 सीटें कांग्रेस के खेमे में जा सकती है, लेकिन बदले में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में भी सीटों की मांग कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। अक्टूबर के महीने में यह उपचुनाव संभव है। वहीं अक्टूबर के ही महीने में महाराष्ट्र और हरियाणा में आम विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहीं उसी वक्त हरियाणा और महाराष्ट्र में आम विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत अब दावे भी पेश करने लगी है, जहां एक तरफ कांग्रेस को 2 सीटें दे सकती है, तो वहीं दूसरे हाथ से महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटों पर दम भी भर रही है। मोहम्मद आसिफ जी, बिल्कुल लिया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो वाला फार्मूला यहाँ पर अपनाया है, और कांग्रेस के साथ आगे भी जो गठबंधन है वो बरकरार रह सकता है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह से हाई है, और समाजवादी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में भी अपने प्रत्याशी उतारने का प्लान तैयार कर लिया है, और सूत्रों का यह दावा है कि समाजवादी पार्टी हरियाणा में 5 और महाराष्ट्र में 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, और यह फार्मूला जो है, जो प्लान है इसको, और इसको जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को अवगत भी करा दिया है। अगर यह सब जो सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा, बातचीत चल रही, अगर यह सब हुआ कांग्रेस के साथ, तो 2 सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी। लेकिन अभी जो बेस फंस रहा है, कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही है। अगर बात करें सहारनपुर सीट की, तो सहारनपुर से बसपा से पूर्व सांसद फजलुर रहमान ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, और फजलुर रहमान और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद के बीच 36 का आंकड़ा है। इमरान मसूद कभी का नहीं चाहेंगे कि फजलुर रहमान उपचुनाव में जो है प्रत्याशी घोषित हो। वही दूसरी तरफ जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 12 और हरियाणा में 5 सीटों की मांग कर डाली है, भी है। लेकिन सवाल मोहम्मद आसिफ यही बरकरार कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटें कांग्रेस को देने के बदले समाजवादी पार्टी जो सीटों का मांग कर रही है महाराष्ट्र में जिस तरह से 12 और हरियाणा में 5, क्या सीट शेयरिंग पर सहमति बन पाएगी यहाँ पर? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सीटों की मांग की है, सूत्रों का यह कहना है कि अभी इस पर कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से सहमति नहीं बन पाई है। अगर यह सहमति नहीं बनती है तो जल्द ही गठबंधन का जो वादा है वह टूट जाएगा, और समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस से राहुल गांधी के रास्ते भी
जुदा हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर मंथन चल रहा है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दो सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, तो यह एक फार्मूला है समाजवादी पार्टी प्रमुख का, क्योंकि अगर दो सीटें देती हैं तो 20% यानी कि प्रतिशत का 20% जो सीट है, यानी कि दो सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन अभी जो यह प्लान तैयार किया अखिलेश यादव ने, और इस प्लान में जिस तरह से अखिलेश यादव तेजी दिखा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहा, 37 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है, जिसके बाद से आत्मविश्वास से भरपूर इस वक्त समाजवादी पार्टी। और क्या यही वजह माने कि साफ तौर पर अपनी जो रणनीति है अखिलेश यादव ने साफ कर दी है कांग्रेस के आगे भी कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो, दो सीटें अगर हम आपको देंगे यूपी उपचुनाव में, तो दूसरी तरफ जो हिस्सेदारी की उन्होंने मांग की है महाराष्ट्र और हरियाणा में काफी ज्यादा। जी बिल्कुल, लिया जिस तरह से कांग्रेस माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीते, इससे कहीं ना कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जोश जो है पूरी तरह हाई है। और जिस तरह से जो है दावा पेश किया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हरियाणा और महाराष्ट्र में, यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर दबाव की भी राजनीति है। हालांकि कांग्रेस ऐसे दबाव से जो है कोई मतलब नहीं रखती है, उसके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह से जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो पेशकश की है, अब इस पर जो है कितनी बात बनती है या फिर बिगड़ती है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है इसी मंथन को लेकर और जो दावा पेश किया है दिल्ली भी पहुंच सकते हैं, और वहां पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से एक वार्ता भी होगी शीर्षरिंग को लेकर। लेकिन जिस तरह से दबाव की राजनीति समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर शुरू की है, इसका भी मैसेज बहुत दूर तक जा रहा है। यानी साफ तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कि रणनीति बनेगी एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, अगर हिस्सेदारी कांग्रेस को वो उत्तर प्रदेश में देंगे तो बाकी राज्यों में हिस्सेदारी मांगेंगे भी, और एक तरह से साफ तौर पर कांग्रेस पर यहां पर दबाव बनाने की कोशिश। लेकिन हालांकि सीट शेयरिंग पर क्या कुछ फॉर्मूला सेट हो पाता है वो वक्त बताएगा। मोहम्मद आसिफ आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, 59,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यह पत्र लिखा गया है, भर्ती में आरक्षण की अनियमितताओं पर उन्होंने सवाल उठाया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, पत्र में उन्होंने 59,000 शिक्षकों के भर्ती को लेकर यह पत्र लिखा है और भर्ती में आरक्षण की अनियमितता का मुद्दा उठाया है। तो ये पत्र आपको दिखा रहे हैं, नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनियमितता को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया है। चंद्रशेखर ने पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम लिखा है, तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, पत्र में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यह पत्र लिखा गया है, भर्ती में जिस तरह से आरक्षण की अनियमितता का उन्होंने मुद्दा उठाया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, जिस तरह से नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया है, क्या जानकारी की अपडेट? जिस तरीके से एक बार फिर 69,000 शिक्षक जो भर्ती प्रक्रिया थी उसका मामला जोर पकड़ रहा है, नगीना जो है लोकसभा से सांसद है चंद्रशेखर आजाद, उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है, जिसके वजह से जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, और सैकड़ों जो है आंदोलन करने के बाद खून के आंसू भी लोग रो रहे हैं, ऐसा चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। पत्र में उन्होंने अपील किया है कि अभ्यर्थियों की समस्याओं
को संज्ञान में लिया जाए और अधिकारी को मुख्यमंत्री से उन्होंने जो है निवेदन किया है पत्र के माध्यम से कि अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि जो भर्ती प्रक्रिया थी जो प्रभावित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिए जाए। चंद्रशेखर आजाद ने सीएम को पत्र लिखकर आरक्षण में विसंगति के संबंध में अभ्यर्थियों की शिकायत का जिस तरह से आरक्षण में जो अनियमितता भर्ती के दौरान हुई है उसको लेकर मुद्दा पहले भी उठा है कृष्णा, अब की बार जिस तरह से नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के संज्ञान में वो ये मुद्दा लाए हैं, क्या माना जाए आगे इस पर कुछ कदम देखने को मिल सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले 23 दिसंबर 2021 को ही अभ्यर्थियों ने एकाएक प्रतिनिधि मंडल था उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी जिसमें मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करते हुए उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन अभी वो नहीं हो पाया है। उन्होंने आगे ये भी कहा था जनवरी माह में कि बेसिक शिक्षा विभाग की प्रक्रिया में जो गलती हुई है उसमें लगभग 7,500 के करीब जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की सूची प्रकाशित की गई थी उनमें नियुक्ति पत्र न देने की बात की गई थी, इनमें 2 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है जिसको लेकर एक बार चंद्रशेखर आजाद ने अपने जो है इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया है कि इसका समय सीमा अधिकतम हो चुकी है जिससे सरकारी नौकरियों में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिसका जो है उम्र जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में जिसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है जिससे सामान्य जीवन नहीं दिया जा पा सकता, तो चंद्रशेखर आजाद ने अपील करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है उन्होंने कि समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा पूरा मामला जिसमें आरक्षण के दौरान अनियमितता देखने को मिली थी, हालांकि कई बार ये मुद्दा उठाया गया जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन भी दिया, लेकिन एक बार फिर से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री से फिर से अपील की है इस मामले का संज्ञान लेने की, हालांकि उसके बाद क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं वो वक्त बताएगा। कृष्णा, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 की राजस्व विभाग के द्वारा भर्तियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की फितरत होती है अच्छे कार्यों में रोड़े अटकाना और गुमराह करने की, उन्होंने इस कार्य में भी रोड़े अटकाए लेकिन अधीनस्थ चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट तक गया और आज ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में तमाम समस्याएं थी, एक परिवार आपस में जिले बांट लेता था और चाचा भतीजे वसूली पर निकल जाते थे, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता से युवाओं में विश्वास आया है। कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाना, अफवाह पैदा करना, गुमराह करना और कहीं ना कहीं नवचयनित लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण में भी इस प्रकार के रोड़े अटकाने के प्रयास हुए, लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके आज 7,720 नवचयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप यह नियुक्ति पत्र आज प्रदान हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। अभी 4,700 और नई नियुक्ति की अध्याचन हम भेज चुके हैं, उसको भी हम बहुत शीघ्र पूरे करने वाले हैं और प्रक्रिया की पूरी होते ही 30,837 जो लेखपाल प्रदेश में नियुक्त होने चाहिए उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। प्रदेश सरकार और डबल इंजन की सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के युवा की योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप
प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम था कि 6 लाख से अधिक युवाओं को हमें सरकारी नौकरी में नौकरी प्रदान करने और नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। वे अलग अलग क्षेत्र में थे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में था, कोई जनस सेवा चयन आयोग से था, कोई उच्च शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई बेसिक शिक्षा परिषद से, कोई पुलिस भर्ती के रूप में। 2017 के पहले क्या होता था, ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे, क्योंकि भर्ती नहीं होती थी, भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे, भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था, लेकिन एक ही प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अभियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक, किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी साहब हमारी तैनाती हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इस युवा के लिए ही सरकार पूरी ताकत लगा रही है जिससे उसके उज्जवल भविष्य के माध्यम से हम प्रदेश के विकास के पथ को अग्रसर करके उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर। प्रदेश में अब तक हमारी सरकार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुकी है, यानी उनका जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त कर दी है और हमारे पास अभी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव बाकी हैं जिनको जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई हमारे स्तर पर चल रही है। जो बेहतरीन निवेश का माहौल प्रदेश के अंदर बना है, एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने का कार्य हुआ, इन सब से भी हमने प्रदेश में 1,62,00,000 से अधिक युवाओं को अपने ही गांव और अपने ही घर में, अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना उपलब्ध करवाई। यह भी प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अपने जनपद और अपने गांव में सुविधा प्राप्त हुई। और यही नहीं, प्रदेश ने स्वरोजगार के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी जो कार्य प्रारंभ किया, जिसमें प्रदेश सरकार के स्तर पर विभिन्न स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम किस रूप में हम सबके सामने प्राप्त हो रहा। वहीं अयोध्या के रुदौली से रौजा गांव तक बनने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2023 में करीब 9,63,00,000 रुपए की लागत से हुआ था। पीडब्ल्यूडी की तरफ से सड़क का निर्माण करवाया गया था, लेकिन एक साल बाद ही सड़क पर लगाई गई गिट्टी बोल्डर उखड़ने लग गए हैं। इसके अलावा जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़क की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से इस सड़क का निर्माण हुआ 2023 में, और महज कुछ ही महीनों में जो सड़क है उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सरकार ने लोगों के लिए जिस सुगम पथ की परिकल्पना की थी उसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की गुणवत्ता को दरकिनार कर निर्माण करवाया गया, जिस कारण वो सड़क महज एक साल में ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने। 5 किलोमीटर सड़क की बनाई गई है लगभग 9,63,00,000 रुपए की लागत से, और ये दलसराय से जो है रुदौली मार्ग को जाता है, और यहाँ पे सड़क की स्थिति दिखाना चाहूंगा कि सड़क देख सकते हैं कि लगभग एक साल पहले जो है इस सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है
और सड़क का निर्माण होते हुए साफ तौर पर जगह जगह जो है सड़क उखड़ना शुरू हो गई है, जिससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है और कई जगह पे जो है सड़कें उखड़ी हुई है, जिससे लोगों को भी काफी दिक्कतें होती है, जो दो पहिया वाहन है चार पहिया वाहन है उनको दिक्कतें होती है। और यहाँ कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे अभी सड़क कितने दिन हुई बनी है और उखड़ने लगी है? सर अभी एक साल हुआ होगा, एक साल में पूरा रोड उखड़ गया, एक साल अभी भी नहीं हुआ होगा। कैसा लोग ठेकेदार लोग काम करता है हमारे देश का, हमको खुद नहीं मालूम है, क्या पैसा लूटता है कि काम करता है इस देश में, क्या होने वाला है खुद नहीं मालूम है हमको। कितनी जगह उखड़ गई ये तो बहुत सारी उखड़ गई, यहाँ पे उखड़ गई है, आगे भी उखड़ चुकी है, ये रोड की पूरी वार्ड लग गई सर। ये 9,63,00,000 रुपए की लागत से बना। ये हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो ठेकेदार हैं, जो ठेकेदारों लोग को मतलब काम देते हैं, उन लोग को कभी देखा ही नहीं कि ये लोग कैसा काम करता है नहीं करता, कभी उसका मुआयना करने आते नहीं, बस टेंडर दे दिया, काम हुआ नहीं हुआ वो मुश्किल नहीं, बस दिखा दिया ठेकेदार लोग ने कि हाँ सर काम हो गया बस। भ्रष्टाचार हुआ इस वक्त? अरे बहुत सारा, इस पे एवरी डे जो है एक्सीडेंट भी होता है इस रोड पे। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि जो सड़क बनी हुई है उस पे आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। वजह है कि इस पे जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और अभी एक वर्ष के करीब में सड़क के निर्माण कार्य को हुआ है और ये 9,63,00,000 रुपए की लागत से जो PWD विभाग द्वारा जो है बनाया गया है, जिससे काफी दिक्कतें होती हैं। और भी यहाँ पे कुछ वाहन चालक हैं, उनसे भी यहाँ पे बात करेंगे कितनी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। आप लोग सड़क पे निकलने गड्ढे हो गए हैं, अभी एक साल सड़क को बने हुए और 9,63,00,000 रुपए की लागत से बना हुआ है। अब देख लो सामने पर जो गड्ढा है वो तो है, कितने गड्ढे नजर हो गए? अरे जगह जगह पर है, कहा जगह जगह पर है। 9,63,00,000 रुपए की लागत से बना हुआ है, अभी के बारे में तो हमका नहीं जानकारी है। तो भ्रष्टाचार है इसमें? अब जो कुछ है सामने है। नहीं, इतनी जल्दी सड़क का उखड़ना जो क्या व्यक्त कर रहा है? हाँ गलत तो है ही, कहा गलत तो है ही। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि सड़क जो ये निर्माण कार्य हुआ है सड़क का, अभी एक साल हुआ है और सड़क उखड़ने लगी जगह जगह, क्या कहेंगे? अरे इस लापरवाही है। आप रोज निकलते हो, कितने गड्ढे उड्ढे हो गए? अरे गड्ढे तो जगह जगह बहुत बेकार हो गए, जो एक साल में इतना रोड खराब हो गए तो बताओ 5 साल कैसे चले। भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार बहुत हुआ। तो यहाँ पे जो लोग भी हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो सड़क का निर्माण कार्य हुआ वो एक वर्ष भी नहीं चला, जबकि सड़क का निर्माण कार्य होता है 5 साल के लिए होता है, 5 साल में सड़क नहीं उखड़ना चाहिए। और यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे, सड़क पे गड्ढे हो गए अभी एक साल हुआ सड़क बने हुए? 6 महीना 7 महीने नहीं हुए, गड्ढे हो गए हैं, पूरी रोड खराब पड़ी है, खतरा है, मौत रहना है रात रात। ये 9,00,00,000 रुपए की लागत से बना है? बना हुई सर। भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।